बृहस्पतिवार को हृदय दिवस के अवसर पर सेक्टर 11 मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान नोएडा द्वारा आयोजित इस वार्ता में मेट्रो ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने कहा कि अगर हृदय रोकथाम के लिए तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में हृदय रोग जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे रोगों के हमले से बचने के लिए समय रहते एक कारगर रणनीति बनाने तथा देश भर में अभियान चलाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सभी शहर एवं गांव में लोगों को समुचित जीवन शैली तथा सही खान पान एवं व्यायाम करने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए तथा देश भर में हृदय रोगों की जांच की सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि समय पर हृदय रोगों की पहचान हो सके। इस पत्रकार वार्ता में सीनियर डॉक्टर समीर गुप्ता, डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कन्वर, सर्जरी के डॉक्टर जीवन पिल्लई, डॉक्टर मधुर दलेला आदि मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या उद्देश्य था इसका? हमारा सबका बड़ा कंसर्न है, आपका भी, कि हार्ट की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए जतन करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो एक प्रिवेंशन का एक उद्देश्य को सामने रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि आप लोग, हमारा जो मैसेज है कि जनरल चेकअप करवाएं और उसके साथ साथ क्या प्रिकॉशंस लेनी हैं, वेट मेंटेन करें, एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइट प्रोग्राम और स्मोकिंग को अवॉइड करना, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, तो इस तरह के जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं उनको एक लोगों के मन में और प्रेशर से लाना, ये हमारा उद्देश्य है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर कोई निःशुल्क कार्यक्रम भी कर रहे हैं आप, चेकअप या कोई? वो हम कर रहे हैं, हम पहले भी कर रहे हैं, सारे पार्कों में जो भी सराउंडिंग पार्क हैं, RWA हैं, तो उनमें हमारा गुड मॉर्निंग प्रोग्राम काफ़ी महीनों से चल रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनको जो सेलियंट साइलेंट ब्लड प्रेशर हैं, हाई ब्लड प्रेशर हैं या और प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनके बारे में बताया जाए। नोएडा से जगदीश शर्मा की रिपोर्ट।